न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। अगली खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इन दिनों जोरों शोरों से शुरू है, जिसको लेकर जनप्रतिनिधि जगह जगह पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस सिलसिले में रीवा जिले में भी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बार चुनाव में जनता किस आधार पर अपना मत देना चाहती है, इसको लेकर नई गढ़ी जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 10 में ग्रामीणों से चुनाव को लेकर बात की गई है। आपको बता दें कि चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाने के बाद प्रत्याशियों के द्वारा अपने क्षेत्र में सघन जनसंपर्क शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 10 से ग्रामीणों के द्वारा साफ तौर पर बोला गया कि वह लोग ऐसे प्रत्याशी को वोट करेंगे जो कि उनके सुख दुख में हर समय खड़ा रहे। जमहरा गांव के वोटिंग करेंगे। हमारे यहाँ क्या है कि सड़क की सुविधा नहीं है, हम लोगों को बरसात के टाइम में आने जाने की बहुत दिक्कत है, और हमारे गांव के पास में जमीन पड़ी हुई जो शासकीय जमीन है वहाँ पे पानी की कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जैसे तालाब हो गया, बांध हो गया, या जो हमारे इधर एक नदी गई हुई है इसमें अगर नहर का पानी छोड़ा जाए तो हमारे गाँव में पानी की समस्या बहुत कुछ ख़त्म हो सकती है। ये चीज़ें हैं। अभी तक क्या है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि पुराने खड़े होते थे तो वो दूसरे गांव के खड़े होते थे, वो हम लोगों का कोई भी काम नहीं करते थे ना सुनते थे, कभी जाओ उनके घर तो सही ढंग से बात भी नहीं करते थे वो लोग हमसे। जनपद का मुद्दा ये है कि जैसे मान लीजिए हमारा अगर सरपंच, हम जिनको बना रहे हैं हमारे सरपंच के द्वारा हमारा काम होता है तो हम ऊपर नहीं जाएंगे, हमारे सरपंच साहब कर देंगे। जनपद में भी हमें कई काम पड़ते हैं, जनपद पंचायत में नगर पालिका में जो भी काम पड़ते हैं, तो हमारे यहाँ से एक ठाकुर साहब खड़े हुए हैं जो अच्छा काम धाम, नृपेन्द्र सिंह ठाकुर नाम है उनका, नृपेन्द्र सिंह, वो अच्छा काम धाम करते हैं, सुनते हैं हमारे गांव के बड़े बुजुर्गों की, सबकी बात मानते हैं जो भी करते हैं, इसलिए हम इनको देखते हुए जो काम करते हैं हम उनको चुनाव देंगे, वोट देंगे और उनको हम चुनेंगे। हैं हमारे यहाँ पुराने भी प्रत्याशी हैं, नए भी हैं, तो उनको एक दो बार हमने आजमा के देख लिया, वो हमारे उस लेवल पे जिस जो हम काम पे उनसे हमारी उम्मीद थी उस उम्मीद पे वो खरे नहीं उतरे। डेट को हम ये चाहते हैं कि क्योंकि एक बार ये उपाध्यक्ष रह भी चुके हैं, इनने जो कुछ भी हमारे गांव के प्रति, हम पर्सनल नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो, हम उसी उम्मीदवार को फिर से चुनना चाहेंगे जो हमारे गांव का विकास कर सके। शरण शुक्ला जमहरा, जो विकास का काम करेगा उसी को वोट देंगे। मुद्दा ये है कि न हमको आवास मिला, न गोटा में गल्ला मिलता है, न पानी कोई सुविधा है, ना हमारे पास बगल में अगर कोई हैंडपंप है, ना कोटा में गल्ला मिलता है, और ना हम लोगों को आवास मिला। हम लोगों के पास ज़मीन सिर्फ 25 डिसमिल से 30 डिसमिल के बीच में। अभी तो कोई कुछ नहीं सुन रहा है, दावा सभी दे रहे हैं चुनाव पीरियड में कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अभी तो कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ पिछले बार भी आए थे, कुछ नहीं किए किए, और 9 एकड़ की अमराई उसी को खन खोद के ले जाते हैं, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं सरपंच लोग, और इसी से 10-5 लाख रुपए निकाल ले जाते हैं, फिर कुछ गांव का विकास नहीं करते। जनपद के लेकर के जो अच्छा काम करने वाला प्रत्याशी होगा, अभी 4-6 दिन देख रहा हूँ, उसी को वोट दूंगा। अभी तो दो जितने खड़े हैं उसमें से एक ही पुराना नया कैंडिडेट है, बाकी सब पुराने हैं, एक पुराना है बाकी सब नए हैं। नए क्या करने वाले हैं, कुछ उनका समझ में आएगा तो उस तरीके हिसाब से वोटिंग होगी। नया है राजेंद्र पटेल, अनूप सिंह, नृपेंद्र सिंह, ये 4 नए कैंडिडेट हैं। तो उनके द्वारा कैसा कार्य किया जाता था? कार्य के हम लोग उतनी दूर तक हम लोगों की पहुंच ही नहीं थी अभी तक, और उनके अच्छा कार्य किसी का नहीं था। जनप्रतिनिधियों को लेकर प्रसाद दुबे कहाँ जमहरा होगा, हमारे गांव की समस्या दूर हो और जो अच्छा आदमी हो वही जीते, और जो सुख दुख में शामिल रहे उसी को हम लोग वोटिंग करना चाहते हैं। जनपद में तो नृपेंद्र सिंह को और हम लोग चुन रहे हैं, उन्हीं को समझ में आ रहा है कि थोड़ा अच्छे हैं, काम धाम करेंगे।
भाई उनका काम देखा जा रहा है कि कौन आदमी अच्छा काम करेगा, हम लोगों का बात सुनेगा, तो उसको हम लोग चुन रहे हैं। फिर ध्यान में है और एकाध दो प्रत्याशी उसमें भी अच्छे हैं, तो एक बार इनका देखेंगे कि कैसा कार्यभार है, नहीं तो दोबारा उनको चुनेंगे। वोट तो एक ही बार पड़ता है। हाँ बिल्कुल रह चुके हैं, इसीलिए तो उनका कार्य अच्छा था, इसीलिए तो उनका मनन हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि ठीक है कार्यभार अच्छा था, एक बार और इनको चांस दिया जाए। और हमारे गांव का विकास रुका हुआ है, ये नदी है इसमें एक पुलिया उलिया नहीं बना है, और इसमें एक रपटा या पुलिया का हाँ ज़रूरत है, उसको बहुत पब्लिक समस्या है, तो इसको दूर करेंगे।